Today we start with the components of physical fitness, that is coordination. As you know, the meaning of coordination means coordination of your body and mind while you are performing any sports activities. So first of all, we have to start with the definition of coordination. ठीक है, coordination क्या होता है और coordination का आपके sports में क्या role है? सिंपल है बेटा, अगर आपने कोई भी टेक्निक, कोई भी एक्टिविटीज को स्मूथली परफॉर्म करना है, रिदमिकली परफॉर्म करना है, तो यू नीड अ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड. सपोज अगर हम कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं, ठीक है, अगर हमने उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको हमने परफेक्ट स्किल्स को, एज वी हैव मेंशन दैट इज अ कॉपी बुक स्टाइल. अगर आपने कोई टेक्निक को परफॉर्म हम करते हैं, तो आपका जो बॉडी, बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है, योर आर्म, हेड, एग्जीक्यूशन ऑफ योर स्किल, ठीक है, आपने जो भी गेम आपकी है उसमें आपका जो, अगर आप सपोज क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपका हेड पोजिशन, आपकी बैट का इम्पैक्ट ऑफ बॉल कहाँ होना चाहिए, ठीक है, ईच और एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द टेक्निक ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम. आप जितनी अच्छी टेक्निक को एग्जीक्यूट करेंगे, अगर आपका बॉडी का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, तो 100% जो आपकी एग्जीक्यूशन होगी दैट इज परफेक्ट. जैसे हम सुनते हैं, कमेंट्री करते हैं बड़े बड़े डिफरेंट गेम्स के, ठीक है, एक्सपर्ट्स, तो वो ऑलवेज दे आर आपको एग्जाम्पल देते हैं कि ये प्लेयर का ये जो स्किल्स है दैट इज अप टू द मार्क, मीन्स दैट इज ए परफेक्ट, दैट इज ए कॉपी बुक स्टाइल. और एक बेटा सिंपल आपको ये पता होना चाहिए, अर्लियर बिफोर यू कैन से 1980s वी कॉल दिस एजिलिटी, जो आपका ये कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, व्हाट वी कॉल दिस, अर्लियर वी कॉल दिस एजिलिटी, ठीक है, तो उसको उन्होंने चेंज कर दिया, नाउ इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, ठीक है. आपको ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन, अर्लियर वी कैन से दैट दैट इज एजिलिटी. कोऑर्डिनेशन का अब आपके गेम में क्या रोल है, हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, और व्हाट आर द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन मेथड्स दैट वी हैव टू डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज क्लियर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ योर माइंड एंड बॉडी, हाउ टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर स्किल, ठीक है, आपकी बॉडी, आपका माइंड बॉडी को डायरेक्ट करता है किसी एक्टिविटी करने के लिए, और आप उसको कितनी अच्छी तरह, इफेक्टिवली, रिदमिकली, इकोनॉमिकली आप करते हो, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन. और जितना आपका कोऑर्डिनेशन फाइन होगा, अच्छा होगा, उतनी आपकी जो एग्जीक्यूशन है स्किल्स की, वो देखने में बहुत अच्छी लगती है, ठीक है. तो कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है. अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, तो आप अपनी स्किल्स को बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो. इसमें व्हाइल वी आर परफॉर्मिंग दिस कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज, डिफरेंट टाइप्स, जो आपकी गेम में डिफरेंट टाइप्स की कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज आती हैं, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद ओरिएंटेशन, ठीक है, ये फर्स्ट है ओरिएंटेशन. दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन in which sports person analyze the change or position of opponents, ठीक है, हम कोई गेम खेल रहे हैं, हमने अपनी एग्जीक्यूशन टेक्निक की करनी है, बट ओरिएंटेशन का मेन आपका जो होता है कि यू हैव टू चेंज योर मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द ओपोनेंट. अब आप ड्रिबल कर रहे हो, आपने किसी को डिफेंड करना है, आपने किसी को चेज करना है, आप खो खो खेल रहे हो, चेस करना है, उसको डॉज करना है, ठीक है, ये नहीं कि आप अपने हिसाब से भागते रहो, अपनी अपना काम करते रहो. एट द सेम टाइम यू हैव टू चेंज योर मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ योर ओपोनेंट्स, आपने ओपोनेंट के हिसाब से अपनी मूवमेंट को चेंज करना है, दैट इज ओरिएंटेशन एबिलिटी, ठीक है. आप कोई भी, आप अगर सिंपल है बेटा, जैसे हम किसी गेम में बोलते हैं कि बहुत अच्छा डिफेंडर है, या हम जैसे गोलकीपर को बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा गोलकीपर है, वो एबिलिटी क्या होती है, आपने ओपोनेंट को जज करना है,
ठीक है, आप कैसे उसको ओपन एंड के मूवमेंट को जज कर रहे हो, कितनी फास्ट जज कर रहे हो, दैट इज ओरिएंटेशन एबिलिटीज। देन आपका आ जाता है रिदम, रिदमिक एबिलिटीज, ठीक है। रिदम मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर परफॉर्मिंग एनी स्पोर्ट्स। रिदम में जो आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हम सपोज लेजियम करते हैं, डंबल्स करते हैं, ठीक है, जिमनास्टिक की एक्सरसाइज करते हैं, एक्रोबेटिक करते हैं, फिगर स्केटिंग करते हैं, ये सारी डिफरेंट गेम्स हैं जहां पे आपको रिदम के साथ एक्टिविटीज करनी होती हैं। सपोज वहां म्यूजिक लगा है, आपने देखा होगा जो जिमनास्टिक में एरोबिक्स करते हैं, ठीक है, फ्लोर एक्सरसाइजेस करते हैं, वो उनका म्यूजिक साथ चलता है, म्यूजिक से वो बेटा एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो आके अपना पोजिशन लेते हैं, दे स्टैंड देयर, ऑन होता है म्यूजिक, दे स्टार्ट देयर एक्टिविटी, और आपने ये देखा देखना देखते हो कि उनकी जो फिनिशिंग होती है, ठीक है, उनकी जो मूवमेंट की जो एक्टिविटीज वो कर रहे हैं फ्लोर पे, उनकी जो फिनिश होती है एट द सेम टाइम व्हेन देयर इज अ, आपका जो ऑडियो वीडियो साथ चल रहा होता है, वो म्यूजिक जो चल रहा होता है, वो जैसे स्टॉप होता है वैसे ही उनकी एक्टिविटी स्टॉप होती है, वो टाइमिंग, वो रिदम, ठीक है। ये सेम एज इन योर फिगर स्केटिंग, जो आप आइस स्केटिंग देखते हैं वहां पे ये डिफरेंट आपका एक वहां पे ये एक्टिविटीज होती हैं, दैट इज रिलेटेड टू फिगर स्केटिंग। फिर आप स्विमिंग में देखते होंगे, स्विमिंग में 2, 3, 4 ये टीम के प्लेयर्स होते हैं, वो सारी रिदमिक एक्टिविटीज करते हैं, वो वाटर से ऊपर आएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे, डिफरेंट वो शेप बनाएंगे, ठीक है, वो सारी सिंक्रोनाइजेस होती हैं, वो एक साथ आपने म्यूजिक के साथ करनी होती है, दैट इज रिदम। एक रिदम में जो एक्टिविटी आप करते हो, दैट इज रिदमिक कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। आपका ओरिएंटेशन होगा ओपन एंड के साथ, आपने वर्कआउट करना है उसको, उसकी मूवमेंट को देख के आपने अपनी मूवमेंट को चेंज करना है। देन रिदमिक आप म्यूजिक के साथ, ठीक है, रिदम के साथ कोई भी जो स्पोर्ट्स करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, उसको हम रिदमिक कोऑर्डिनेशन करते हैं। देन योर नेक्स्ट इज कपलिंग, ठीक है, कपलिंग इज अ एबिलिटी, कंबाइंड मूवमेंट है ये भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की। अब इसमें एक आपको एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे आप ये कपलिंग मीन्स कि आप सपोज आपने बॉल को स्मैश करना है, आपने ओपोनेंट ने जो आपको बॉल बनाई है उसकी हाइट कितनी है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू एडजस्ट, ठीक है, यू हैव टू एडजस्ट, इट इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ योर आईज हैंड, ठीक है, बॉडी के जो पार्ट का आपका डिफरेंट पार्ट का जो एक कंबाइंड एक्ट होता है उसको हम बोलते हैं कपलिंग एक्टिविटीज। ये आपने कोई भी एक्टिविटीज को परफेक्ट मूवमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन, आपका जो एक्शन बिटवीन आईज लेग्स हैंड वो कंट्रोल होना चाहिए। इसमें एक बेटा सिंपल एग्जांपल है, सपोज आपको किसी ने बॉल को लिफ्ट किया है, ठीक है, तो व्हाट हैपन, बॉल की हाइट के अकॉर्डिंग यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ योर हैंड स्मैशिंग, ठीक है, आपने फिर उसको स्मैश करना है, वो सारा जो जब आपका सारा बॉडी का एक कोऑर्डिनेशन होता है, दैट इज ए कपलिंग एक्टिविटीज, आईज हैंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, दैट इज ए डिफरेंशिएशन। फिर आपका रिएक्शन एबिलिटी होता है, इसमें एक फोर्थ वन आ गया, व्हाट इज द रिएक्शन, रिएक्शन मीन्स कि हाउ फास्ट यू रिएक्ट। आपको सिंपल एग्जांपल रिएक्शन का क्या आता है, व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉर एनी स्पीड वर्क, रिएक्शन मीन्स व्हेन देर इज ए सिग्नल, ठीक है, व्हेन देर इज एनी सिग्नल, आपको किसी चीज का सिग्नल दिया जाता है, दैट इज नोन एंड अननोन, सिंपल है, हाउ फास्ट यू रिएक्ट एट दैट पर्टिकुलर सिग्नल। सिंपल में इसमें आपका आ जाता है बेटा रिएक्शन, आपने सिंपल है कि आपको पता है कि आपको स्टार्ट देना है, ठीक है, आपको सपोज हम 100 मीटर का स्टार्ट है, स्विमिंग में स्टार्ट करते हैं, तो देर इज ए गन शॉट, फायर होती है, ठीक है, वो ऑन योर मार्क या गेट रेडी ऑन योर मार्क सेट, देन देर इज ए गन फायर, यू नो दैट इज अ गोइंग टू बी बाय एनी योर जो स्टार्टर है वो आपको दे रहा है, आपको पता होता है, दैट इज ए सिंपल। फिर आपका होता है कॉम्प्लेक्स, जिसका आपको नहीं पता,
सपोज आपको एकदम ही किसी को हम बोल देते हैं यू हैव टू रन राइट लेफ्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये रिएक्शन एबिलिटी को हम इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट मेथड भी होते हैं समटाइम इन ट्रेनिंग सेशंस। व्हाट वी हैव टू डू, आपको हमने लाइन में खड़ा कर दिया जितने भी ट्रेनीज हैं एंड वी हैव टू यूज द सिग्नल, वी हैव टू समटाइम उनको बोलते हैं दिस साइड राइट लेफ्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है, दिस द डिफरेंट सिग्नल्स, आपको नहीं पता है क्या करना है, आपको कौन सा सिग्नल कहाँ आ जाएगा, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स। Whenever we have to improve any reaction type of reaction time of any sports person, this different type of technique we have to use. You don't know where you have to run, but you have to run all out. You have to run fast, right, left, forward, backward, again right, forward, backward. These are the different techniques to improve your reaction ability. Reaction means ki how fast you react in a particular सिग्नल और स्टिमुलस, आपको आप कितनी जल्दी उस पर रिएक्ट करते हो, दिस इज ऑल द डिफरेंट पार्ट इन द स्पीड। व्हाइल वी आर गोइंग टू इम्प्रूव स्पीड ऑफ एनी पर्सन, तो ये आपकी रिएक्शन टाइम एक्सेलरेशन रन ये चीजों से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें फिर डिफरेंशिएशन एबिलिटी आ गई है, दैट इज एडजस्टमेंट अमंग द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। डिफरेंशिएट मीन्स कि डिफरेंशिएट करना है आपने, सपोज यू आर गोइंग फॉर आर्चरी शूटिंग, ठीक है, जहां पे आपने बिल्कुल स्टेबल रखना है अपने आप को, अपने पार्ट्स को बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखना है। आप उसमें आपने देखा होगा कि अगर अगर आप थोड़ा सा रेस्पिरेटरी का सांस भी अगर आप थोड़ा सा ज्यादा लेंगे तो हल्का सा आपका हैंड की मूवमेंट में अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो आपका टारगेट से बाहर चल जाएगा। तो वहां पे ये होता है डिफरेंशिएट मींस कि यू हैव टू एडजस्टमेंट अमंग द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, उसको आपने कैसे एडजस्ट करना है, आपने अपने आप को कैसे स्टेबल रखना है, ठीक है। वो तो बोलते हैं ना हल्का सा भी बाल बराबर भी मूवमेंट होगी आपकी तो आपका जो टारगेट है वो अवे हो जाएगा हल्का से भी हिलने से। तो वो एक डिफरेंशिएट एबिलिटीज आपकी होती है कि ये आपकी शूटिंग आर्चरी जो ऐसी गेम्स है वहां पे इसको हम मेन यूज करते हैं। देन आपका बैलेंसिंग हो गया, ठीक है, बैलेंस जो आपका होता है बैलेंसिंग एबिलिटी मींस कि आपने डिफरेंट एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करते समय अपना बैलेंस को मेंटेन रखना है, ठीक है। आपने एक्टिविटी भी करनी है, स्पोर्ट्स पर्सन कोई भी आपको डिफरेंट एक्टिविटीज अपनी करनी होती है, एट द सेम टाइम you have to maintain your balance and you have to regain your balance. Suppose agar hum koi activity karte hain, jaise best example aapka aapko isme hum keh sakte hain, that is in a gymnastic event, whenever you finish your activity you land, your landing always count, uske aapke main point hote hain ki how you have to execute any technique in any equipment and how you have to land. When you are landing at that time your body control your balance वो आपके marks बहुत ज्यादा count करते हैं। आप कोई भी game खेल रहे हो आपने landing, हर game में आपने देखा है ना landing होती है, वहां अपनी body को जो balance बना लेता है control कर लेता है, that is your balance ability। और हर game में ही आपको इसकी आपको जरूरत पड़ती है कि how you have to balance yourself in different awkward position। समटाइम आप गेम खेल रहे हो आपको कोई ऐसी पोजीशन आ जाती है कोई ऑकवर्ड पोजीशन आती है, ठीक है, आप वो पोजीशन में अपनी टेक्निक को एग्जीक्यूट भी कर रहे हो एट द सेम टाइम यू मेक योर बॉडी बैलेंस, ठीक है, अपना बैलेंस को भी आप क्विकली यू रिगेन योर बैलेंस, आप गिरते गिरते भी एकदम अपने बैलेंस को बना लेते हो बॉडी का, दैट इज योर बैलेंस एबिलिटी। और समटाइम कहीं को आपने देखा होगा अगर वो थोड़ा सा अनबैलेंस हो गए हैं तो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसके डिफरेंट रीजन भी हो सकते हैं, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी का पोस्चर क्या है, ठीक है, यू आर फ्लेक्सिबल हो आप कैसे हो, दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। देन इसमें आपका एडेप्टेशन आ जाता है, नेक्स्ट वन ठीक है, एडेप्टेशन जो आपका होता है दैट इज अ मींस कि हाउ यू एडेप्ट एन पर्टिकुलर थिंग, एडेप्ट कैसे आपकी बॉडी करती है, इसका भी बड़ा मेजर रोल होता है एडेप्टेशन का।
ठीक है, डिफरेंट जो स्किल्स हैं, जो आपकी एक्टिविटीज हैं, उसको इफेक्टिवली आप कैसे चेंज करते हो अपनी मूवमेंट को, ठीक है, आपको कोई डिफरेंट एक्टिविटीज हम देते हैं उसको अडॉप्ट कैसे जल्दी, हाउ फास्ट यू अडॉप्ट दैट टेक्निक्स अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में, सेशन में, ठीक है, जब आप हम गेम को ही खेलते हैं तो हमको डिफरेंट एक्टिविटीज को, डिफरेंट मूवमेंट को अडॉप्ट करना होता है, ठीक है, तो वो आप कितनी जल्दी कर सकते हो, कितनी जल्दी आप उसको एंटिसिपेट कर सकते हो, ठीक है, तो वो एडेप्टेशन आपका आ जाता है। ये आपको कुछ एक एबिलिटीज हैं जो उन्होंने एक डिफरेंट टाइप्स बनाई है, ये बैलेंसिंग, ठीक है, एडेप्टेशन, ये सारी जो एबिलिटीज हैं ये आपकी डिफरेंट सिचुएशन में आपके वर्कआउट करती है व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। आप कोई भी गेम खेल रहे हो, स्पोर्ट्स कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, ये डिफरेंट कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज डिफरेंट सिचुएशन में आपको वर्कआउट करती हैं, एंड इट विल बी हेल्पफुल टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंसेस इन डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट मूवमेंट्स। कोऑर्डिनेशन अगर आपका अच्छा होगा बॉडी का तो क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस रिदमिक, इकोनॉमिकली एंड स्मूथ, ये चीजें आपको, तीन चीजें आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। व्हाइल यू आर डूइंग एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी योर बॉडी मूवमेंट शुड बी रिदमिकली, इकोनॉमिकली एंड स्मूथ। अगर आप रिदम में कोई काम करते हो तो वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, उस प्लेयर्स की वो स्किल, वो एक्टिविटी, वो मूवमेंट सबको अच्छी लगेगी व्हाइल यू आर वॉचिंग दैट पर्टिकुलर प्लेयर्स। इसीलिए हम देखते हैं समटाइम जो आपके लीजेंड्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत सुपरस्टार प्लेयर्स हैं, उनकी वीडियोस बच्चों को दिखाते हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस की डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट स्किल्स की, डिफरेंट टेक्निक्स की वीडियोस को हम इसीलिए दिखाते हैं, सो दैट, एक होता है ना लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय इमिटेशन मेथड, ठीक है, और आप डिफरेंट जो वीडियोस को जब दिखाते हैं, बिगिनर्स को दिखाते हैं, छोटे बच्चों को दिखाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो मोटिवेट होते हैं उनको देख के, ठीक है, कोचिज हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो आपको बताएंगे कि ये देखो इसको ऐसे एग्जीक्यूट करना है स्किल को, आपके ये प्लेयर हैं वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट प्लेयर हैं वो इसको ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो अपने गेम में सिचुएशन में कैसे कैसे उसको वहां पे एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको रिदम, फिर आपका इकोनॉमिकल, अगर आप एक एक्टिविटी को 10 स्टेप से कर रहे हैं तो व्हाई यू आर गोइंग फॉर अ 20 स्टेप, सिंपल है, लेस एनर्जी यूज करके अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल रहे हैं तो व्हाई यू आर गोइंग फॉर अ, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, ठीक है। आपने समटाइम देखा होगा आपके जो स्टेप होते हैं, जैसे किसी भी आपने गेम में खेलना है, लॉन्ग जंप में आपका रनिंग जो, ठीक है, वो पाथ है कितना होना चाहिए, आपका डिस्टेंस है कितना भागना है अपना, सेम अगर सपोज आपने हाई जंप करना है तो आपका स्टेप कितने होने चाहिए, व्हाइल यू आर प्लेइंग क्रिकेट वहां जो फास्ट बॉलर है उनका जो रन अप है वो कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें वो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल के आप करते हो। अगर आपका इकोनॉमिकली है हर चीज है तो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर एक्सेस ऑफ एनर्जीज, तो आपका एक रिदम हो गया, इकोनॉमिकली हो गया एंड स्मूथ, ठीक है, कितना स्मूथली आप अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करते हो उसको, वो उतना ही प्लेयर अच्छा होता है और वो प्लेयर उतना ही ज्यादा खेलेगा अगर आप में ये कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज है, ठीक है, एंड यू ऑल एक्टिविटीज आर डूइंग विद रिदमिकली, इकोनॉमिकली एंड स्मूथली, दैट पर्सन इज क्या होगा, उसको सारे लोग देखते हैं, उसको वॉच करेंगे कि वो बोलते हैं ना जब ये प्लेयर खेलता है तो देख के बड़ा अच्छा लगता है, वाइल वी आर वॉचिंग सम लीजेंड्स जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, लोग उनकी वीडियोज उनके मैच बार बार देखते हैं, वो इसीलिए देखते हैं कि जो एजुकेशन स्किल्स जो उनकी होती है दैट इज अ वेरी वेरी हाई लेवल, ठीक है, उनको देख के फिर हम बाकी बच्चों को दिखाते हैं, उनको बताते हैं कि ये देखो इसको ऐसे एक्टिविटी को आप करोगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, आपको परफॉर्मेंस में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज। अब इसमें बेटा क्या है कोऑर्डिनेशन एबिलिटी में, आपको व्हाइल यू आर डूइंग इंप्रूविंग दिस कोऑर्डिनेशन मेथड, तो सिंपल इसमें क्या है, आपको एक तो सबसे पहले सिस्टमेटिकली आपको करना है,
जो डिफरेंट मेथड्स हैं, हाउ टू इम्प्रूव दिस ऑल स्किल्स एबिलिटीज, इसके लिए सबसे पहले एक सिस्टेमेटिक एंड गाइडेड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कभी भी अगर आपने कोई ट्रेनिंग करनी है, कोई भी आपने मेथड करना है, विदाउट क्वालिफाइड कोचिज और ट्रेनर्स कांट डू एनी एक्टिविटी, सिंपल है। एंड योर प्रैक्टिस शुड बी सिस्टमेटिक गाइडेड बाय द प्रोफेशनल्स, ठीक है, क्वालिफाइड कोचिज। देन वैरायटी ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस शुड बी देयर, ये नहीं कि आप डेली एक ही चीज कर रहे हो, देयर शुड बी अ वैरायटी। व्हेनेवर यू हैव टू इंप्रूव योर एनी स्किल्स एनी एक्टिविटीज यू हैव टू नीड वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस। देन देयर इज अ बोथ जर्नल एंड स्पेसिफिक, फर्स्ट वी स्टार्ट विद जर्नल, देन वी हैव टू गो फॉर एडवांस स्किल्स जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक स्किल्स। देन सिस्टमेटिकली इंक्रीज इन द लोड, जब हम लोडिंग करते हैं, जब हम उसको सिंपल से कॉम्प्लेक्स की और हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए। एंड मूवमेंट शुड बी करेक्ट, अगर एक सिंपल बेटा आपको अगर छोटे होते हैं, अगर आप बैडमिंटन का रैकेट पकड़ रहे हो, अगर आपकी होल्डिंग गलत हो गई है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका वो एक थ्रू आउट फॉल्टी टेक्निक होगी है, उसको इम्प्रूव करने के लिए देन यू नीड लॉट ऑफ चेंजेस प्रैक्टिस। तो जो आपका इनिशियल स्टेज होता है किसी भी गेम को खेलने का, उसमें जो आपका क्या होता है मेन क्या क्या चीज होता है, मूवमेंट आपकी जो होती है दैट शुड बी अ वेरी करेक्ट। अगर आपकी इनकरेक्ट मूवमेंट, फॉल्टी मूवमेंट अगर आप स्टार्टिंग से यूज करोगे, तो आपको आने वाले आगे गेम जो आप खेलोगे, देन इट विल बी प्रॉब्लम फॉर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। इसीलिए हम बोलते हैं अगर आपने कहीं भी कोचिंग लेनी है, कहीं भी स्पोर्ट्स करनी है, यू मस्ट गो विद अ प्रॉपर क्वालिफाइड कोचिस, ठीक है, जो उस गेम की जिनको मास्टरी हो, जिन्होंने प्रॉपर डिप्लोमा किया हो उस गेम का, तभी आपकी जो आगे एक्टिविटीज है वो अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग टूडेज टॉपिक, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट बेटा नेक्स्ट टॉपिक, उसमें आपका स्पोर्ट्स इंजरीज सारा डिफरेंट फैक्टर्स डिटरमाइन टू स्पीड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ये सारे टॉपिक उसमें आपको नेक्स्ट आएंगे। तो टुमारो ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट दैट पर्टिकुलर टॉपिक।